टॉक पॉलीमरेज। तो आज की वीडियो में जानते हैं कि टॉक पॉलीमरेज क्या होता है। डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, तो उसको आइसोलेट किया गया, मतलब अलग किया गया उसको फ्रॉम बैक्टीरियम, किसी बैक्टीरिया से, उसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। तो जो टॉक पॉलीमरेज है, तो टॉक का मतलब है थर्मस एक्वाटिकस नाम का एक बैक्टीरिया है, उसी से, उसके डीएनए से पॉलीमरेज को निकाला गया है, तो उसी को टॉक पॉलीमरेज कहते हैं। और बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस, इसलिए इसके टॉक कहा जा रहा है। इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। इसमें प्रॉपर्टी ये होती है अच्छी कि ये हाई टेम्परेचर पर भी जिंदा रहता है, ये खराब नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। और इसका यूज़ जो करते हैं पीसीआर में करते हैं। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जैसे जो कोरोना की जाँच है तो उसमें पीसीआर जाँच की हेल्प ली जाती है। तो पीसीआर जो माइनर से माइनर, छोटी से छोटी, बारीक से बारीक तरीके से बीमारियों को डिटेक्ट करने का एक तरीका है, तो पीसीआर टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है।